हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए ये वाला डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये देखने में बिल्कुल अलग तरह का डिज़ाइन है और बनाने में बिल्कुल आसान है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। इसके लिए मेन जो हमने ऊन ली है वो वाइट कलर, पिंक कलर और मैरून कलर, तीन कलर हमें 10-10 ग्राम चाहिए, येलो कलर 5 ग्राम चाहिए, रेड कलर 5 ग्राम चाहिए। इस तरह से ऊन ले लेनी है, थोड़े से बीड्स चाहिए और हुक जो हमने यूज़ किया है 11 नंबर यूज़ किया है। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, वीडियो पूरा ज़रूर देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं, किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं आप घर बैठे बैठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तोड़न पट्टी से सिंपल और आसान तोड़न पट्टी बनाने वाले हैं। डबल क्रोशिया में बनाएंगे, 15 चेन पर बनाएंगे, तो काउंट करके चेन ले लेनी है। इस तरह से 15 चेन लेनी है और अब इस पर डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 2 3 तीन चेन छोड़ देंगे, फोर्थ में डाल लेंगे। अगर आपको डिजाइन में तोड़न पट्टी बनानी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, तोड़न पट्टी के बहुत सारे डिजाइन मैंने डाले हुए हैं पहले ही, तो कोई भी डिजाइन आप ले सकते हैं। मैं ये सिंपल तोड़न पट्टी पर ही बनाऊंगी डिज़ाइन, तो आप सिंपल पे बनाना चाहें तो सिंपल तोड़न पट्टी पर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हर एक डबल क्रोशिया, तो इस तरह से हर एक चेन पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए 2 चेन लेंगे और टर्न कर लेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए, और डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और इसी तरह से पूरी तोड़न पट्टी सिंपल डबल क्रोशिया में बना के तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से सिंपल तोड़न पट्टी बना लेनी है, बाद में हम इस पर फूल वगैरह यूज करेंगे फिनिशिंग में। तो अब डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे और डिज़ाइन के लिए स्टार्टिंग में 10 या 12 राउंड छोड़ देने, काउंट करके छोड़ देंगे। ये मैंने 12 राउंड छोड़ दिए इस साइड में और यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। 12 राउंड छोड़ने हैं स्टार्टिंग में, उसके बाद डिज़ाइन शुरू करना है काउंट करके ना। 30 चेन लेंगे येलो कलर में, तो ये देखिए 30 चेन हो गई। इसको हमें बैक साइड में जाके बांधना है, रॉन्ग साइड में इस तरह से, और अब 2 चेन लेनी है। नेक्स्ट में बांधना है जो 12 राउंड हमने छोड़े हैं स्टार्टिंग में उस साइड में।
और यहाँ पर हमें पफ बनाने थ्री टाइम, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनाने, एक पफ फिर चेन, इस तरह से पफ बनाने। तो ये देखिए इस तरह से पफ बनाने हैं, नाइन पफ बनाए, फिर तीन चेन ली हैं, फिर नाइन पफ बनाने हैं, टोटल 18 पफ बनाने हैं इसमें, तीन चेन बीच में लेके, और ये काउंट करके ही बनानी है, तभी डिजाइन सही आएगा। नेक्स्ट में बांध लेना है, ये कलर यहीं पर हटा देंगे, दूसरा कलर यूज करेंगे यहाँ पर व्हाइट कलर। तो अब व्हाइट कलर यूज करेंगे और यहां से स्टार्ट करेंगे। जो पफ है इसके ऊपर बनाना है एक, और दो डबल क्रॉस ये बीच में बनाने हैं, एक दो, फिर पफ के ऊपर दो बीच में, इस तरह से पूरा राउंड लेना है कंटिन्यू, और बीच में हमें फिर से एक यहां पर बना के डबल क्रोशिया, फिर तीन चेन और फिर एक डबल क्रोशिया यहां पर बनाएंगे। बाद में मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है। तो ये देखिए व्हाइट का राउंड इस तरह से बना लेना है, ये देखिए बीच में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में तीन चेन लेनी है, ये कंटिन्यू इसी तरह से बनाना है यहाँ पर बीच में। अभी फिर से कलर चेंज करेंगे, ये मैं यहाँ पर पिंक कलर लगाने वाली हूँ नेक्स्ट राउंड से तौन पट्टी के, इसलिए स्टार्टिंग में हमने 10-12 राउंड छोड़ दिए थे, और फिर से डबल क्रोशे बना लेंगे, सेम डबल क्रोशे का राउंड ही आएगा बिल्कुल व्हाइट का जो बनाया है हमने। और यहां पर मैं झोल न आए इसलिए ये वाला डबल क्रोशिया छोड़ के फिर डाल रही हूं, इससे डिजाइन में झोल नहीं आएगा, सही बनेगा एकदम। इस तरह से ये राउंड कंप्लीट कर लेंगे डबल क्रोशिया में, और बीच में सेम यही बनाना है, दो डबल क्रोशिया बीच वाले में, तीन चेन। तो ये देखिए इस तरह से ये मैंने पिंक कलर का राउंड भी ले लिया है, मैंने बताया कि बीच में कैसे बनाना है, इसी तरह से कंटिन्यू बनाना है, ये एक डबल क्रोशिया इधर, फिर तीन चेन, फिर एक डबल क्रोशिया इधर, बीच में इस तरह से बना के फिर सेम इसी तरह से इधर भी बना लेना है। अब हमें फिर कलर चेंज करना है, अब मैं रेड कलर लगाने वाली हूँ यहाँ पर, और सेम नेक्स्ट राउंड से ही शुरू करना है। तो इस तरह से हर बार नेक्स्ट राउंड में डालना है, एक चेन लेके फिर शुरू करेंगे, अभी हमें इसको ऐसे बनाना है उठा के रेड वाले कलर से बैक साइड में जाके इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है।
ये देखिए बड़ी आसानी से बन जाएगा। ये भी बैक साइड से लेना है और डबल क्रोशिए से निकाल के दूसरी साइड में फिर से बनाना है। तो इस तरह से पूरा राउंड कर लेना है और बीच में सेम इसी तरह से करना है। इस तरह से रेड के बाद में एक राउंड मेहरून कलर का भी करने वाली हूँ, तो सेम इसी तरह से। तो ये देखिए इस तरह से ये दो राउंड मैंने कर लिए हैं, एक रेड वाला और एक मेहरून कलर में। फिर से मेहरून कलर में राउंड शुरू करेंगे। और ये थोड़ा अलग तरह से करेंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह से उठा के बनाए थे, लेकिन अब हमें इसे आगे की साइड उठाना है। ये देखिए और इस तरह से दो राउंड मैरून कलर के बनाने हैं और एक या दो बना सकते हैं। तो दो राउंड मैं बनाऊंगी इसमें, इस तरह से दोनों सेम ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से कंटिन्यू बना लेते हैं, सेम वो इसी तरह से बनाएंगे। बीच में सेम ही बनेगा जो कंटिन्यू बना रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन से आप इसे बना सकते हैं। अगर कलर कॉम्बिनेशन कोई और लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, जैसे इसके साथ पर्पल कलर लगा सकते हैं, फिर डार्क पर्पल इस तरह से। तो ये दो राउंड मैं कंप्लीट कर लूंगी मैरून का इसी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर डिजाइन लग रहा है ये। इस तरह से आप बना सकते हैं और इसकी फिनिशिंग करनी है अब हमें। फिनिशिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये मैंने कुछ फ्लावर बनाए हैं जो कि मैं तोड़ पट्टी पर लगाऊंगी। इस तरह से गहरे गहरे लगाने हो तो एक यहाँ लगा सकते हैं, और अगर गहरे ज़्यादा नहीं लगाने हैं तो ये जगह स्किप करके यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे लगा सकते हैं। ये मैंने इसके लिए पोम पोम बॉल बनाई है पिंक कलर में, तो ये भी यूज करेंगे। पोम पोम बॉल बनानी, फ्लावर बनाने, ये सब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने बहुत बार बनाकर दिखाए हुए हैं। इसके अलावा ये लटकन भी लगा सकते हैं बीच में, मोती वगैरह लगा के एक एक लटकन। तो पम पम बॉल लगाने के लिए ये मैंने डबल किया है धागा। अगर अच्छे से लगाना है मजबूत तो धागे को डबल करके लगाएं। इस तरह से पोना है और तो मोती लगा लेंगे, लेंथ के हिसाब से लगा लें। तो ये देखिए मेरे को इतनी लेंथ इसकी रखनी है यहाँ पर, तो उस हिसाब से ये मैंने डाल लिए मोती और ये स्टिच कर लेना है बीच में। ये मैं एक ही लड़ी लगाऊंगी एक जगह पर, आप चाहें तो दो भी लगा सकते हैं, दो लड़ी से भी इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैं इसे स्टिच कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पर भी पॉम पॉम बॉल स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। इस तरह से फिनिशिंग कर सकते हैं इसकी। ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में और बिल्कुल आसान और यूनिक डिजाइन है।